लड़का हवा सन इन्हन के जे तरह ढलब वही तरह ढल जहाँ सन। एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ इन बच्चों को, भाई बढ़ जाओ बेटा बढ़ जाओ हमारे बढ़ जाओ। इन बच्चों के ऊपर एक घटना बता रहा हूँ, हमारे गार्जियन बैठे हैं, जरूरी है बताना। एक मेरा बेटा है 5 साल का और लगभग लगभग 90% मंचों पे मुझे बाबा साहब की तस्वीर मिल जाती है, लोग भेंट करते हैं जनरल मंचों पे। वाह, जैसा कि मैं रोज रात को गा के आता हूँ, आज भी मुझे मऊ जाना है। आप ही सर सोचेंगे कि तुम करते क्या हो। जनरल मंच मेरा स्टेज से बहुत होता है, तो ले करके गया और संजोग से मैंने तस्वीर रखा और तस्वीर गिर गई थी। तो मेरा बेटा देखा, बोला पापा ए वो फोटो गिरा हुआ है। तो मैंने बोला कौन फोटो? ए बच्चे सुने सुने सुनो, तो फोटो गिरा हुआ था। तो मैंने बोला बेटा हर चीज उठा के रखते हो और इसे नहीं रखा तुमने? तो बोला क्यों क्यों रख दो, और वो सवाल बहुत करता है सर। तो मैंने बोला ये बाबा साहब की तस्वीर है। तो बोला कौन बाबा साहब? हमारे दादाजी तो कहाँ पे रहते हैं? तो हमने कहा कि ये बाबा साहब वो हैं जिनके बदौलत तुम्हारे पापा बिरहा गाते हैं और जिनके बदौलत तुम ऐसो आराम से रहते हो और ये सारी सुविधाएं, ये गाड़ी जो भी देखते हो, ये बाबा साहब की बदौलत। मैंने छोटा सा सेंटेंस उसको दिया। तो बोला अच्छा पापा इसी बात और उसको मैंने बोला, रियली मैं बता रहा हूँ, मैं रियल घटना बताता हूँ, मैं बनावटी घटना नहीं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को क्या बताना है। ये मजाक के नहीं बता रहा हूँ, मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है कि मुझे अपने बच्चों को बताना क्या है। और मैंने अपने बेटे को जब ये बताया कि ये बाबा साहब है इनके बदौलत मैं यहाँ हूँ, तो तस्वीर को मैंने रख दिया। इसके बाद सेकेंड रोज फिर किसी दिन तस्वीर गिरी थी तो हमारे पास आया और बोला पापा पापा। हमने बोला क्या? तो वो बाबा साहब की तस्वीर गिरी हुई है। मैंने बोला कौन सी बाबा साहब की तस्वीर? तो वो बाबा साहब। हमने बोला कौन बाबा साहब? तो वही बाबा साहब जिनके बदौलत आप बिरहा गाते हैं। हमने बोला और क्या करते हैं? तो जिनके बदौलत आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी में हम बैठते हैं। मेरे कहने का मतलब ये मजाक नहीं है, हम अपने बच्चों को बचपन से जो आदत डालेंगे वही हमारे बच्चे सीखते हैं। इन बच्चों को आज से हम अगर अंबेडकरवाद का पाठ पढ़ाएंगे, आज से इन बच्चों को छत्रपति साहू जी के विषय में बताएंगे, आज से इन बच्चों को बुद्ध जी के विषय में बताएंगे, आज से इन बच्चों को बाबा साहब के विषय में बताएंगे, आज से इन बच्चों को संत जी के विषय में बताएंगे, तो ये बच्चे कभी आडंबर और पाखंड की तरह नहीं जाएंगे। इन बच्चों का यही जुनून है, बच्चों के अंदर एक ललक होती है, आदत होती है सीखने की। आप जिधर ढाल दो पानी की तरह है, बह जा रहा है। गीत की आखिरी लाइन, लिखा हुआ संविधान है। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी आएगी, सिर्फ पूरे देश में एक ही पार्टी और एक ही पार्टी की सरकार होगी जिस पार्टी के द्वारा बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान अर्थात बाबा साहब का घोषणा पत्र लागू होगा, उस दिन आपको क्या मिलेगा? नमस्कार,
मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।